अनुसूचित जाति के वर्ग का आरक्षण वर्तमान सरकार द्वारा 3% कम किए जाने के विरोध में भाजपा जिला भिलाई के नेतृत्व में भिलाई 3 सिरसा गेट चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक सावलाराम डहरे, भिलाई चरोदा निगम के पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले, जिला अध्यक्ष द्वारिका चंद्रवंशी सहित मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सतनामी समाज के बैनर तले निकाली रैली वीओ छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के प्रतिनिधि और सदस्य अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग को लेकर गुरुवार को विशाल रैली निकाल अपना आक्रोश जताया। साथ ही बताया कि भारत के संविधान लागू होने के पश्चात हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण सदैव 16% ही रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4% कम कर दिया गया, फिर उसमें 1% बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया जो कि उचित नहीं है। आरक्षण दिए जाने के बावजूद आरक्षण का पालन करने में शासन प्रशासन असफल रही है, जिसके चलते सतनामी व बैकलॉग व अनुसूचित जाति के पद आज भी रिक्त हैं। साथ ही अन्य समुदाय व फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पैदल रैली निकालकर सरकार को ध्यान आकर्षित कराने अपनी मांगों के संदर्भ में दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सतनामी समाज के वरिष्ठ व भाजपा के पूर्व विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जाति वर्ग के जो आरक्षण 16% आरक्षण को 13% किया, उसके विरोध में समस्त जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पूरे दुर्ग जिले के गुरुभाषीदास सेवा समिति भिलाई के तत्वाधान में आज ये रैली के शक्ल में कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपेगी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे दुर्ग जिले के सतनामी समाज के लोग के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त लोग आज उपस्थित है इस रैली में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।